मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमितीय रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 7 और a - bx + a + by = 3। यहाँ पर a है 3a + b - 2। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसमें a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है और एक कंडीशन दे रखा है कि अपरिमितीय रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए, रैखिक युग्म में a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के लिए एक कंडीशन होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कि यह होता है, देखिए a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो हम समझ जाते हैं कि इसका अनेक हल निकलेगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x है तो x में जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया रहता है, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम लिखेंगे a1 = 2। ठीक है, उसी तरह b1 के लिए y में जिस संख्या से, यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y में जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको हम समझेंगे b1 का मान, यानी b1 = 3। और देखिए c1 के जगह पर यहाँ पर 7 है तो c1 के जगह पर लिख देंगे 7। ठीक है, उसी तरह देखिए a2 का मान होगा समीकरण 2 से, जो x में जिस पूरे संख्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है, गुणा किया हुआ है, तो a - b होगा a2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे a2 = a - b। उसके बाद से लिखेंगे फिर उसी तरह b2 = a + b और c2 लिखेंगे 3a + b - 2। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है पहले ही क्वेश्चन में अपरिमितीय रूप से अनेक हल हैं, तो उस कंडीशंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में बराबर करेंगे। देखिए a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, तो यानी कि 2/, ध्यान से समझिएगा, 2/a - b, क्योंकि देखिए a1 का मान ऊपर भर दिए 2 और a2 का मान नीचे भर दिए -b, फिर बराबर b1 का मान ऊपर भरे, तो यानी कि 3/a + b, तो लिखिए a + b। ठीक है, बराबर c1 का मान ऊपर भरे तो c1 का मान 7/3a + b - 2। ठीक है, मान भर दिए। अब हम क्या करेंगे, तीनों आपस में बराबर है तो बारी बारी से दो दो को लेकर बराबर कर लेंगे, बराबर कर लेते हैं। देखिएगा, अब देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं और बारी बारी से, पहले हम क्या करते हैं, देखिए 2 को उठाते हैं, 2/a - b = 3/a + b और 2 को इन दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो बराबर करेंगे तो देखिए ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होता है, 2 में अब दोनों में होगा और 3 में इन दोनों में होगा। तो यहाँ पर 2 से जब 2 में की जाए तो 2a होगा +2b = 3a - 3b। अब देखिए ए वाले को सारे को एक बॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन सारे को इस तरह भेजिए, क्योंकि यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 2a है, तो जब इसको उधर भेजिएगा तो प्लस है, देखिए 3a - 3b प्लस है और इन दोनों को जब इधर भेजिए तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस में रहता है तो बराबर के इधर जाता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर होगा 2a - 2b, और जब सब एक बॉल हो गया तो क्या हुआ, बचा 0 बचा। तो देखिए 3a में से 2a घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल a, और -3b और -2b मिलकर जुटेगा, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर -5b = 0। ये हुआ समीकरण एक बना लिए, क्योंकि a और b का मान निकालने के लिए 2 समीकरण बनाना होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, फिर बारी बारी से इन दोनों को, एक बार इन दोनों को बराबर किए थे, अब इन दोनों को एक बार बराबर करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होगा, तो 3 में इन तीनों अंक में होगा और फिर 7 में इन दोनों में होगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 3 में जब 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 9a, फिर 3 में b से गुणा कीजिएगा प्लस लगा के तो 3b, माइनस 3 में इन 2 से गुणा कीजिएगा तो 6 होगा, बराबर 7 में अब करिए 7a + 7b। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करते हैं, फिर सबको एक साइड करते हैं, तो यहाँ पर होगा 9a + 3b - 6, सबको एक साइड किया तो -7a
और -7b = 0। अब देखिए 9a में से 7a घटा लेंगे तो 9a में से 7a घटाएंगे मतलब 9a में से 7a घटाएंगे तो बचेगा कितना 2a और 3b यहाँ पर है, यहाँ पर -7 भी है। देखिए जब माइनस में ज़्यादा अंक रहता है तो क्या करते हैं, 7 में से 3 घटा के माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा, अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे 4b और पहले से क्या है -6, ये हुआ समीकरण बराबर 0। और इसको सजा लेते हैं समीकरण को, यहाँ पर देखिएगा 2a - 4b, 6 को उधर भेज दीजिए तो 6 समीकरण ये हुआ 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, हमको मान निकलेगा a और b का निकल जाएगा, वही निकालना है a और b का मान निकलना है। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 हल हो गया है। अब समीकरण a से ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 से a का मान निकाल लेते हैं, जब a का मान निकलेगा तो 5b होगा क्योंकि माइनस में बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस होगा, और ए बराबर 5b को समीकरण 2 में एक जगह पर रख देते हैं, तो जब यहाँ पर रखेगा 2 * यहाँ पर रखेगा कितना 5b - 4b = 6। तो देखिए जब इसमें गुणा कीजिए तो 10b होगा, 10b - 4b = 6, और 10b में से 4b घटा देंगे तो 6b बचेगा बराबर 6। अब देखिए 6 इधर में गुणा में है तो बराबर का जब इधर भेजेंगे तो भाग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 6/6, कटाएंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, बात समझ में आई, b का मान निकल गया 1। अब देखिए a का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 1 को इस देखिए 5 यहाँ पर b लिखे हैं, ठीक है, तो b के जगह पर 1 रख देते हैं, b के जगह पर 1 रख देते हैं, तो a का मान निकल जाएगा, तो 5 और गुणे 1 रख दिए b का मान तो कितना आया 6, यानी आपका आंसर होगा a बराबर 6 और b बराबर 1, यही हुआ आपका आंसर। धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और इसके पीछे भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, वो भी जाकर प्लीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिए।